जैसलमेर एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है एडवेंचर और हेरिटेज का। यहाँ के थार डेजर्ट का एडवेंचर आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा और यहाँ का हेरिटेज भी अपने में ही यूनिक है। लास्ट वीडियो में हम गए थे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और तनोट माता मंदिर और आज हम जैसलमेर के कल्चर और यहाँ के एडवेंचर को एक्सपीरियंस करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द थार डेजर्ट। हमने हमारा रिजॉर्ट बुक कराया था मेन डेजर्ट में ही क्योंकि हमको इस जगह को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करना था। रिजॉर्ट में आपका स्वागत किसी राजा महाराजा से कम नहीं होगा। शाम होते होते यहाँ का माहौल राजस्थानी कल्चर में डूब जाता है और शाम की शुरुआत होती है कल्चरल डांस से। डांस के साथ साथ आपको टी एंड स्नैक्स भी सर्व किया जाता है। कल्चरल डांस के बाद हम डिनर करके सो गए क्योंकि हमारी जो डेजर्ट सफारी थी वो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग थी। सुबह 5 बजे उठते ही क्या नजारा था, एकदम क्लियर आसमान और उसमें भर भर के स्टार्स। अब सनराइज होने से पहले हमको डेजर्ट में भी पहुंचना था और फिर हमारी डेजर्ट सफारी स्टार्ट होती है। और इसमें जो मजा आता है ना, आप सबको अपनी लाइफ में ये चीज एक बार एक्सपीरियंस करने जैसा है। वेलकम टू जैसलमेर। सो मैं अभी डेजर्ट के अंदर ही हूँ, मेरे चारों तरफ डेजर्ट है और सामने होने वाला है सनराइज। अभी देखेंगे ब्यूटीफुल से सनराइज को और इस वाइब को फील करेंगे। सो ये सामने से होगा सनराइज और ये पूरे टीले जैसलमेर के आपके सामने, इन्हीं पूरे टीलों में आपकी डेजर्ट सफारी होती है और यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हो आप। बट वही है स्पोर्ट्स एक्टिविटी का कि आपको बहुत लूटेंगे ये लोग ज़रा सी दूर लेके आने के लिए 2,000 रुपये 1,500 रुपये ऐसे ऐसे, तो देख लेना आप, आपके बजट में तो करना नहीं तो मत करना, सब स्कैमर्स ही है, परेशान कर देंगे आपको। हमको भी बहुत परेशान करे थे, ये एक्टिविटी कर लो वो कर लो, तो मैं तो भाई दूर चल के आ गया। सुबह का टाइम है, एक भी गाड़ी नहीं है यहाँ पे, हम लोग अकेले यहाँ पे चिल कर रहे हैं। डेजर्ट सफारी के बाद आपको कैमल सफारी पर लेकर जाएंगे और ये कैमल सफारी आपको पूरे दुबई के लैंडस्केप की याद दिला देगी। और अगर आपको भी हमारी तरह ये एडवेंचर सुबह करने का मौका मिले तो प्लीज सुबह वाला ऑप्शन पिक करना क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज्यादा रश होता है और गर्मी होती है। इन टीलों पे चलने में बहुत मज़ा आता है, इतने प्यारे सैंड है ना, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट, और सुबह का टाइम है ना तो ये सब ठंडे हो रखे हैं। आप शाम को आओगे ना तो ये ठंडे नहीं मिलेंगे, एकदम गर्म गर्म मिलेंगे, आप चल भी नहीं सकते, और सुबह के टाइम एकदम ठंडे हो गए, एकदम रिलैक्सिंग लग रहा है। और बस स्कैमर से बच के रहना भाई, सफारी में सच में बहुत मजा आया एंड ऑल थैंक्स टू सलीम भाई। ये अपने सलीम भाई, वैसे तो ये ओनर है अपने रिजॉर्ट के, बट स्पेशली हमारे लिए कि हम घर के आदमी हैं इसीलिए हमको लेकर आए, खुद गाड़ी चला रही है अभी। इनके लोग जो भी काम वाले वो स्पेशली गाड़ी चलाते हैं, बट ये खुद लेकर आए, इन्होंने बहुत हेल्प करी हमको शूट कर रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच सलीम भाई। और भी मैं इनके डिटेल्स अभी आगे जाके रिजॉर्ट पे आपको बताता हूँ कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो, और इतने कम प्राइस में इन्होंने इतना एडवेंचर कराया ना हमको, बहुत मजा आने वाला है आपको। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ इस पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड था और हमने इस पैकेज के कितने रुपए दिए थे। अरे रुको, अभी नाश्ता करना तो बाकी था। ये अपना ब्रेकफास्ट, पोहा, सब्जी और पूरी भी है, पर पूरी मैंने ली नहीं, और इसके साथ चाय। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी थी आपसे, तो सोचा कर दूँ, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। आप कभी भी जैसलमेर साइड आओगे ना, टेंट साइड, ये सैंड ड्यून साइड,
तो रास्ते में बहुत सारे आपको बाइक वाले लड़के मिलेंगे, एकदम उनकी शक्ल देख के आप समझोगे लुक्खे लुक्खे की तरह मिलेंगे वो लोग, और बोलेंगे 500 रुपये में, 1000 रुपये में सब कुछ दिला देंगे हम, ये वो ये वो ये वो। कभी भी उनके चक्कर में मत पड़ना गलती से भी। अभी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वही मैटर चल रहा है कि उन्होंने इनसे कुछ और बात की, रिजॉर्ट वाले उनसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं ऐसे वैसे, तो आप भी फंस जाओगे। तो रिजॉर्ट वालों से ही बात करो, और जो भी सेट करना है आपको उनके साथ ही सेट करो, और पूरा पैसा कभी भी देना मत एडवांस में, थोड़ा सा ही 500-1000 ही देना, बाकी का पैसा रिजॉर्ट पे ही आके देना आप लोग। तो नाश्ता करके और फ्रेशन अप होकर हम निकलने वाले थे जैसलमेर सिटी को देखने। चलो फाइनली अब मैं आपको बता ही देता हूँ इस पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड था और हमको ये पैकेज कितने में पड़ा था। तो इस पैकेज में इवनिंग टी एंड स्नैक, कल्चरल प्रोग्राम, नाइट स्टे विथ डिनर, जीप सफारी, कैमल सफारी एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। और इस पैकेज का टोटल कॉस्ट 3500 पड़ा था हमको, और हम लोग 2 जन थे तो ये भी डिवाइड बाई 2 हो गया और पर हेड 1750 पड़ा। और हाँ दोस्तों, ये प्राइस सीजन वाइज ऊपर नीचे हो सकता है। आई नो आपको ये वीडियो में बहुत मजा आया होगा और अब आपका भी मन कर रहा होगा यहाँ पर आके ये सारे एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस करने का। तो आप सलीम भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है और स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको। और अगर आप इन्हें मेरा रेफरेंस दोगे कि हम विकास भाई की वीडियो देख कर आए, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मैंने व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बना दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप लिंक से ज्वाइन हो सकते हो और आपके सारे डाउट्स वहां पे पूछ सकते हो मेरे से पर्सनली, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा वहां पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम जाने वाले हैं जैसलमेर सिटी को एक्सप्लोर करने और वहाँ के फेमस फोर्ट को देखने। सो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है और बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। मैं वहां पे दिखाने वाला हूँ आपको कि हमारे साथ कैसे कैसे स्कैम्स हुए हैं स्कूटी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग।